मैं रोशन तिवारी अपने YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न पे आप सबों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 के अध्याय 3 धातु एवं अधातु चैप्टर का महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस अब जो हम महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों को जो करवाते हैं इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि महत्वपूर्ण तथ्य को अधिक से अधिक नोट करने का और याद करने का। चैप्टर का लगभग सभी प्रश्न उत्तर इसमें आपको क्लियर हो जाएगा यदि आप इसको ध्यान से देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका चैप्टर है धातु एवं अधातु। देखिएगा, तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया है, यानी उसके गुणधर्म के आधार पर तत्वों को उसके दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक है धातु, दूसरा अधातु। गुणधर्मों के आधार पर धातु के कुछ उदाहरण आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर। अधातु के कुछ उदाहरण दिए गए हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। भौतिक गुणधर्म, अब धातु के जो भौतिक गुणधर्म है वो क्या क्या हैं तो देखिए, धातु के गुणधर्म है धात्विक चनक, चमक, यानी धातु में चमक होती है। धातु की सतह चमकदार होती है और धातु में चमकीली नहीं होती, लेकिन इसमें से कुछ अपवाद होता है, जैसे आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली है। याद रखिएगा, आयोडीन जो है वो क्या है, अधातु है, लेकिन फिर भी वो चमकीला है। कठोरता, धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होती है और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। धातुएं कठोर होती है, ये धातु का गुण है, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये मुलायम है और इन्हें चाकू से भी आप आसानी से काट सकते हैं। ये अधातु में ये अधिकतर कठोर नहीं होते। कार्बन का एक अपरूप हीरा है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। याद रखिएगा, हीरा कार्बन का अपरूप है जो सबसे कठोर है, जबकि अधातु कठोर नहीं होता है। रूप के आधार पर धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है, अधातुएं ठोस या गैस दोनों रूप में पाई जाती है, जबकि मरकरी या पारा जो है वो धातु है परंतु वो कमरे के तापमान पर लिक्विड रूप में यानी कि द्रव रूप में पाया जाता है। और इसमें अधातु में ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में है, ब्रोमीन जो है अधातु है लेकिन वो तरल रूप में है। उसके बाद है अघात वर्धता, यानी कि जब आप उस पर प्रहार कीजिएगा तो वह भंगुर टूटेगा नहीं, अघात वर्धिया होता है वो टूटेगा नहीं, लेकिन धातु नहीं टूटेगा। ठीक है, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अधातुएं अघात वर्धीय नहीं होती है, इस पर जब आप प्रहार कीजिएगा तो ये भंगुर होता है, ये टूट जाएगा। ठीक है, उसके बाद धातु के और गुण हैं जैसे तन्यता। इसमें याद रखिएगा, सबसे तन्य धातु सोना है इसको। ठीक है, तो देखिए, धातुओं को पतली तार के रूप में खींची जा सकती है, अधातु तन्य नहीं होती। विद्युत एवं ऊष्मा का चालन, धातु का गुण होता है वो विद्युत एवं ऊष्मा का चालन करता है, जबकि अपवाद में देखिए सीसा एवं मरकरी ये क्या है, कुचालक है। सामान्यतः धातु अधातु में विद्युत व ऊष्मा का कुचालक करती है, लेकिन ग्रेफाइट आप बैटरी में देखे होंगे काले रंग का जो पोल का उपयोग किया जाता है वो ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक है। ठीक है, घनत्व के आधार पर सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक, सोडियम इसका धातु का जो है ना सामान्यतः अधिक घनत्व होता है, गलनांक उच्च होता है, और इसका जो है अधातु का घनत्व व गलनांक दोनों कम होता है, लेकिन सोडियम एवं पोटेशियम का घनत्व व गलनांक दोनों क्या होता है, कम होता है। ध्वनिक, यानी उससे जो ध्वनि निकलती है, तो धातुओं के टकराने से आवाज़ पैदा होती है, अधातुओं के टकराने से आवाज़ पैदा नहीं होती। ऑक्साइड, अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है SO2। ठीक है, आगे देखेंगे, अभी तो हम लोग धातु के भौतिक गुणधर्म देखे, आगे है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। वायु से अभिक्रिया, धातु का वायु के साथ अभिक्रिया के बाद क्या होता है, तो धातु वायु के साथ अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाता है। आप अभी तुरंत ही देखे थे कि वो ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद है उभयधर्मी ऑक्साइड, वेद धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, जैसे कि दिया हुआ है जल के साथ अभिक्रिया के दौरान। ठीक है, आगे देखिएगा। धातुओं को तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनता है, ये आप पिछले अभ्यास में भी देख चुके हैं। ठीक है, धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, यानी धातु का जो है अन्य लवण के साथ जब आप अभिक्रिया कराइएगा तो क्या होगा, तो लवण का विलयन और धातु बनेगा। ठीक है, उसके बाद है आपका अधिक क्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को अपन उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित करती, यानी कि अलग कर देता है, ये आप पिछली अभ्यास में पढ़ चुके हैं। यह धातुओं की संक्रियता श्रेणी पर आधारित होती है। ठीक है, संक्रियता श्रेणी है यहाँ पर दिया गया है, वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उसको संक्रियता श्रेणी कहते हैं। इसमें अधिक क्रियाशील धातु घटती अभिक्रियाशील घटती अभिक्रियाशीलता है, यानी कि सबसे अधिक कैल्शियम का है जो कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे है धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझाई जाती है। धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धन आयन बनाते हैं। अधातु के परमाणु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाते हैं। उदाहरण के लिए दिया हुआ है NaCl का दिया है अभिक्रिया, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। चलिए, आयनिक यौगिक विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी विपरीत आवेश वाले आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंध कर आयनिक यौगिक बनाते हैं। आयनिक यौगिक के क्या क्या गुणधर्म है वो देखिएगा। भौतिक गुणधर्म, ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। गलनांक और क्वथनांक के आधार पर आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। घुलनशीलता के आधार पर इसका गुण, आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील व केरोसिन पेट्रोल जैसे विलयन में अविलय होते हैं, यानी कि केरोसिन पेट्रोल में घुलता नहीं है। विद्युत चालकता, आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते, ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते, यानी आयनिक यौगिक जो होता है ये द्रवित अवस्था में जो रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, तो ये क्या करेगा, विद्युत का चालन करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। अब धातुओं की प्राप्ति या धात्विकी, खनिज पृथ्वी से प्राकृतिक रूप में उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं, यानी प्राकृतिक रूप में जो उपस्थित तत्व है उसी को खनिज कहा जाता है। ठीक है, तत्व एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अयस्क का दिया गया है। अयस्क वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है उसे खनिज कहते हैं, यानी कि वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में, पृथ्वी के नीचे का खनिज अयस्क होता है ना, अयस्क में धातु अधिक मात्रा में होता है और उसे निकालना हमारे लिए फायदाकारी होता है उसे ही अयस्क कहेंगे। सक्रियता श्रेणी एवं संबंधी धातु धर्म, सबसे अधिक क्रियाशील धातु स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती विद्युत अपघटन है, यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, और इस तरह से मध्यम में जिंक हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे है सबसे स्वतंत्र रूप से धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार, अयस्क से धातु किस प्रकार निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए अयस्कों का समृद्धिकरण धातुओं का निष्कर्षण और धातु का परिष्करण होता है। अयस्क हो गया, अयस्क का सांद्रण हो गया, उसके बाद इससे जो है उच्च क्रियाशील धातु निकाला जाता है, फिर मध्यम क्रियाशील धातु निकाला जाता है, फिर निम्न क्रियाशील धातु निकाला जाता है। ठीक है,
उच्च क्रियाशील धातु गलित धातु का विद्युत अपघटन करके शुद्ध धातु निकाला जाता है। मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं, इसमें जो है सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क होता है, और निम्न क्रियाशील धातु में सल्फाइड अयस्क होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, इसी में है सिनेबार, वायु का भंजन निष्पादन, इस तरह से जो है धातु का अपचयन और धातु का शोधन होता है, और भर्जन धातु और परिष्करण होता है, ठीक है। उसके बाद अयस्क, ये धातु निष्कर्षण के प्रमुख चरण है। कुछ मुख्य परिभाषाएं, अब गैंग क्या है। पृथ्वी से खनिज अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसे कई अशुद्धियां पाई जाती है, जिन्हें गैंग कहते हैं। पृथ्वी के खनिज यानी कि खनिज में जो अयस्क, रेत या मिट्टी जो भी अशुद्धियां हैं उन्हें ही गैंग कहेंगे। भर्जन, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहेंगे। यहाँ पर अभी उदाहरण द्वारा दर्शाया गया है, ZnS है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब उष्मा ऑक्सीजन के साथ उष्मा की उपस्थिति में जलाया गया तो ZnO हो गया और SO2 हो गया। इसी प्रकार सिनेबार को भी जब ताप को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो होता है। आगे निष्पादन देखिएगा, निस्तापन, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। जब कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है ZnCO3 कार्बोनेट अयस्क है, इसके जब अभिक्रिया किया करेगा ZnO हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाएगा। आगे है अपचयन अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपापचयक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है, इसको अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त किया जाता है। आगे धातुओं का परिष्करण किस प्रकार किया जाता है तो देखिए, धातुओं से अपद्रव को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनीय परिष्करण है, यानी कि धातुओं से अपद्रव को हटाने के लिए सबसे अच्छा विधि जो है वो विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, अब विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि का यहाँ पर दिया गया है, किस प्रकार आप इसको अलग कीजिएगा। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो कैथोड और एनोड का दिया हुआ है, अम्लीय विलयन है, टैंक है, और अपद्रव एनोड का पंख की तरफ आ जाएगा। एनोड पर जो है आपका अशुद्ध धातु जमा हो जाएगा, कैथोड पर आपका शुद्ध धातु जमा हो जाएगा। चित्र के द्वारा आप देख सकते हैं, एनोड पर क्या होगा, अशुद्ध धातु, और कैथोड पर शुद्ध धातु। प्लस हो जाएगा एनोड और माइनस हो जाएगा कैथोड। उसके बाद विलयन जो है, ये विलयन है तनु सल्फ्यूरिक CuSO4 का, जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यानी कि कम मात्रा में इसका करेगा। विद्युत अपघटय से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघटय में घुल जाती है, उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघटय से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। अविलय अशुद्धियाँ एनोड के तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड पंक कहते हैं। यहाँ पर चित्र के द्वारा आप देख सकते हैं एनोड पंक को, किस कहाँ पर एनोड पंक है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, संक्षारण क्या है। संक्षारण आप पिछली अभ्यास में भी पढ़े थे, धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आकर जो उसका जो क्षय होता है उसी को संक्षारण कहते हैं। जैसे कि दिया हुआ है सिल्वर, वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनता है, जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है। सिल्वर जो है वायु से अभिक्रिया करके उसका कलर क्या होता है, काला हो जाता है। कॉपर जो है आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। उसी प्रकार लोहा जो है आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग का पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, यह इससे सुरक्षा किस प्रकार होगी, यानी ये जो संक्षारण होता है संक्षारण से किस प्रकार बचा जा सकता है। लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यशद लेपन करके, क्रोमियम
लेपन द्वारा या एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर, यानी कि दो प्रकार के धातु से मिलाकर जब धातु मिलकर जब एक धातु बनेगा ना, तो उसमें क्या होता है संक्षारण का गुण आ जाता है, उसका संक्षारण कम होता है। आगे है यसद लेपन क्या है, देखिए लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है, इसी को यसद लेपन प्रक्रम कहते हैं। याद रखिएगा जस्ते का पतली परत चढ़ाने का जो विधि है जिसके द्वारा लोहे को संक्षारित होने से बचाया जा सकता है, इसी को यसद लेपन कहा जाता है। आगे है मिश्र धातु। अब देखिए मिश्र धातु, आप धातुओं को मिश्रित करके आप किस प्रकार उसको संक्षारण से बचाइएगा। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं। लोहे के सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। इस्पात जब लोहा और निकेल और क्रोमियम से अभिक्रिया, पीतल कॉपर और जिंक का होता है, कासा कॉपर और टिंक के अभिक्रिया से बनता है, इस सब में इसका संक्षारण क्षमता अधिक होता है। सोल्डर जो होता है लैंड और टिन से बना होता है। अमलगम जो होता है मरकरी और अन्य तत्व से मिलकर बनाया जाता है। तो आप लोग इसको अंत तक देखिएगा, याद कीजिएगा, याद करने का अधिक से अधिक कोशिश कीजिएगा। तो हमारा आज का यह वीडियो जो है अध्याय 3 का धातु एवं अधातु का महत्वपूर्ण तथ्य वाला वीडियो यहीं समाप्त होता है। और आप हमारे YouTube चैनल पर यदि नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि हमारे जो भी वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। आज के लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।